ओके जस्ट अ मिनट मेरे को यहाँ पे चैट्स नहीं दिख रही हैं एक सेकंड बच्चों ये सो यू आर ऑल हेयर हाय छवि हेलो रितु गुड आफ्टरनून हाय आस्था हेलो श्रेया हाय एवरीवन हाय पीयूष पीयूष तुम इतने लंबे लंबे मैसेज लिखते हो तुम्हें पढ़ने के चक्कर में मैसेज पढ़ने के चक्कर में देखो यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, है? बताओ जरा इतना पीयूष एकदम लंबी चिट्ठी लिखता है लेटर चलो अब पीएचओ बी कैसे बेसिस पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है बेटा कि तो। थोड़ा सा टफर साइड है बट अंडरस्टैंडिंग को इजी बनाने के लिए हम नो uh, डाउट no कुछ शॉर्टकट्स भी देखेंगे बट शॉर्टकट्स के चक्कर में कॉन्सेप्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो जो तरीका होगा जिसके थ्रू मैं आपको इसके क्वेश्चन से आंसर्स की तरफ लेके जाऊंगी उसको समझने के लिए मुझे आपका फुल फोकस चाहिए एंड येस यू शुड सिट विद योर कॉपी एंड पेन ठीक है

हंड्रेड तक के बच्चों को मिलेंगे तो आप भी उन हंड्रेड में से हो सकते हो अपने आप पे भरोसा करना सीखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रोडिजी टेस्ट के बारे में आपको बताई दिया ट्वेंटी से स्टार्ट हो चुके हैं दिस इज द टाइम टेबल थर्टीन फेब्रवरी तक ये एग्जाम्स आपके चलेंगे फोर्टीन फेब्रवरी से एक दिन पीछे ठीक है

पढ़ने के लिए आपको गाइडेंस के फॉर्म में एक एक्सपीरियंस्ड जो मेंटर्स होते हैं एक्सपीरियंस मेंटर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि डॉक्टर और टीचर ये इसके पास एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है ठीक है नहीं तो एक्सपेरिमेंट आप पर ही हो जाएगा ठीक है सो so यहाँ हमारे पास जितना भी एजुकेटर्स है अनकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे दे आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस इन ऑल देयर फील्ड जो जेई और नीट गोल में पढ़ा रहे हैं वो कोटा के कोचिंग इंडस्ट्री के हैं जो कि आ, आपको जेई के लिए नीट के लिए ट्रेन करेंगे जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर्स एंड इंजीनियर दे है they have that experience in their hands, कि वो आप एवरेज भी मानते हैं खुद को तो आपके पोटेंशियल को भी वो वहां तक पहुंचा सकते हैं लेकिन आपको रेगुलर रहना पड़ेगा ठीक है बहुत सारी चीजें होती है सक्सेस का रास्ता इतना आसान भी नहीं होता और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं अन अकाडमी इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ पे तो इधर भी आपको जो मेंटर्स मिलेंगे इन्होंने बहुत ही टॉप रिजल्ट्स निकाले हैं इसीलिए वो प्लस पे एसोसिएटेड है अदरवाइज नहीं होते ठीक है तो आपको एक्सपीरियंस मेंटर्स मिलेंगे आपको वर्कशीट मिलेंगी डिस्कस होंगी एनसीआर का एक एक सवाल होगा होमवर्क प्रॉपरली मिलेगा डीपीपीज मिलेंगी टेस्ट होंगे क्विजेज होंगे और मिलेगा रेज हैंड ऑप्शन जिसमें आप अपने फेवरेट एडुकेटर से बात कर सकते हैं बात करने से आपको जो कनेक्शन फील होगा अपने एडुकेटर के साथ उसका तो भाई साहब कोई जवाब ही नहीं है तो इन सब चीजों से हम अपने प्लस प्लेटफॉर्म को भरते हैं इस से हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड हैव सेवरल सेवरल फीडबैक्स जहां पे बच्चे कहते हैं कि हमने लिया सब्सक्रिप्शन लेकिन बहुत नॉमिनल था तो हमने ऐसे ले तो लिया बट मेनली तो हम ऑफलाइन ही जा रहे थे एंड

और बहुत बहुत आगे बढ़ाए और उसके बाद हम सब आपके साथ हैं और अच्छे से साथ हैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ठीक है मेरी क्लासेस मंडे वेन्सडे फ्राइडेटर को होती है आप अभी रिपब्लिक डे ऑफर बारह बजे से स्टार्ट हो चुका है बच्चों तुमको तीन दिन के लिए एक ऑफर आया है जिसके अंदर एक साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं एमबी लाइफ कोड लगाने पर आपको एक तो फिफ्टी परसेंट मतलब छह महीने की एक्सटेंशन मिलती है साथ ही टेन परसेंट डिस्काउंट भी मिलता है यानी कि ईयर के कॉस्ट में आपको ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है फॉर द नेक्स्ट डेज सताइस ठीक है इज इंट इट एक्साइटिंग एंड अमेजिंग नाउ डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी बच्चों ये बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है तुम्हारी एक साल की कॉस्ट में पूरी इलेवंथ जो बच गई है एंड पूरी ट्वेल्थ अच्छे से हो जाएगी मैं आपको चार्जेस बता देती हूँ एक साल के सिर्फ फिफ्टीन थाउजेंड है अब आप देखो फिफ्टीन थाउजेंड में आपको क्या क्या मिलने वाला है मैं फटाफट से आपको ब्रीफ कर देती हूं आपने कोड लगाना है एम बी लाइफ <clears throat> तो ये हो तो जाएगा फाइव में और आपको मिलेगा 18 months का और सारे subjects में included होंगे 18 months का Isn't it amazing? अब आपको हम तक लाने तक शायद ही कोई शक्ति रोक सकती है है ना इधर देखिए ये आपका एक साल का सब्सक्रिप्शन है ट्वेंटी एट थाउजेंड का है इसमें आप कोड लगाएंगे mb live लाइव और ये हो जाएगा आपका ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अराउंड ठीक है मतलब ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड देन इसके अंदर आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा डेढ़ साल का यानी अठारह महीने का यूजिंग कोड एम बी लाइफ तो इट इज अमेजिंग प्लस जेप और नीट में भी ये सब ऑफर्स चालू हैं आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको डेढ़ साल का एक्सटेंशन मिल रहा है मतलब आपको छह महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है तो आपको डेढ़ साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ रिपब्लिक डे आर फ्यू ऑफर्स दिसर्स आर ऑलरेडी गोइंग ऑन लेट्स गेट स्टार्टेड अच्छा जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे इकट्ठे हो जाओ इलेवन hmm, के लिए पर कैंसल हो चुके हैं अभी के लिए तो लास्ट ईयर मतलब ट्वेंटी ट्वेंटी वन के वीडियो देख रहे हैं जब अब जब जे के चैनल पे कोर्स करवाएंगी तो वहां पर जाओ अरे वापिय वेरी गुड बेटा गुड आफ्टरनून एवरी वन गिव मी जस्ट स्माइल इन द चैट बॉक्स जल्दी से एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सेशन को बेटा मुस्कान बहुत जरूरी है लाइफ में मतलब ज्ञान के साथ साथ मुस्कान का तड़का हो जाए ना तो फिर मजा आ जाता है ये हाय Devyanshi, I was looking for you already in the chat box. Let's get started. Yes, happy Republic Day in advance, बेटा। और मैम के लिए तो मैम के बच्चों की मुस्कान ही सब कुछ है ठीक है तो बेटा अब आज पढ़ने वाले हैं पीएच निकालेंगे हम वीक एसिड्स एंड बेसिस का अब कॉन्सेप्ट को जरा बिल्कुल स्टार्टिंग से सुनो और फोकस करते हुए सुनो हमने पीएच निकाला किसका निकाला स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस का वट इज पीएच पी एच क्या होता है सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कि पीएच क्या होता है आपने क्या पढ़ा कि पीएच वॉट इज पीएच पी एच पीएच होता है नेगेटिव लेगोरिदम ऑफ एच प्लस आयन एन कॉन्सेंट्रेशन आपने आ, मैंने आपको कहा था इसको चार कैटेगरीज में आप डिवाइड करेंगे पहली कैटेगरी थी आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड्स ठीक है ध्यान से पढ़ना और साथ साथ नोट्स बनाना बहुत फायदा होने वाला है मैं तुमको टफ से टफ सवाल आज बहुत आसानी से करवा दूंगी ये मेरा वादा है तुमसे इस क्लास के एंड में तुम बोलोगे मैम ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था एनसीईआरटी में एंड नाउ इट इज टू मच इजियर बट यू नीड टू बी विद टिल द एंड ऑफ द सेशन एंड यू नीड टू गिव कंटिन्यूस गिविंग मी स्माइल इन चैट बॉक्स तो देखो ये सबसे पहले हम ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हमने कहा कि भाई जितना एसिड होता है पूरा का पूरा का टूट जाता है H प्लस और उसके रिस्पेक्टिव जो भी कोई नेगेटिव आयन है उसमें ठीक है अगर वो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है डू यू रिमेंबर दैट गिव मी थम्स अप कंप्लीटली डिसोसिएट होता है ठीक है डिसोसिएट होता है right, तो इसीलिए हम H प्लस की वही कंसेंट्रेशन इस फॉर्मूले में डाल सकते हैं जो कि HCl की concentration दी, दी होती है हमें सवाल में फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड कोई बोले जीरो बोले जीरो परोस देते हो, तो हो. क्यों do डू यू पुट concentration ऑफ एसिड एज H plus? बिकॉज strong एसिड कंप्लीटली dissociates जाते ही टूट जाता है ठीक है कंप्लीट डिसोसिएशन की वजह से सेकेंड कैटेगरी थी बच्चों हमारी स्ट्रॉन्ग बेसिस स्ट्रॉन्ग बेसिस स्ट्रॉन्ग बेसिस के केस में हम क्या करते थे हम ये कहते हैं कि पीएच प्लस पीओएच साथ साथ लिखेंगे अपने अपने कॉपीज में पीएच प्लस पीओएच 14 होता है ठीक है ये हमने पढ़ा हुआ है तो बेसिस के, के केस में हम पीएच नहीं निकालते हैं पहले हम क्या निकालते हैं पीओएच निकालते हैं ठीक है थीकिया? पीओएच निकालते हैं एंड पीओएच का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लेगोरिदम ऑफ ओएच माइनस कंसेंट्रेशन आप कौन बच्चा है? मुझे चैटबॉक्स में बताएगा कि व्हाट विल बी ओएच माइनस एंड कंसेंट्रेशन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस इज द फर्स्ट वन टू टेल मी हुट वन टू टेल मी की वॉट विल यू पुट एज ओ एच माइनस एंड कंसेंट्रेशन इन केस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस मैं एकदम एकदम मस्त हूं बेटा आकृति बाय ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड विशेस दैट ऑफ बेस एग्जैक्टली आस्था मिश्रा बेस की ही कॉन्सेंट्रेशन आप डालेंगे सोना शाह शाबाश बेटा

क्योंकि मैं आपको बार बार आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित कर रही हूं कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसेंट्रेशन को क्यों डाल देते हो एज एच प्लस क्योंकि आप जानते हो फुली बेस के कंसेंट्रेशन को क्यों डाल देते हो एज ओ एच माइनस क्योंकि आप जानते हो वो फुली डिसोसिएट होता है लेकिन अगर कोई एसिड एंड बेस फुली डिसोसिएट हो ही ना तो फिर हम उसकी कंसेंट्रेशन थोड़ी ना डाल सकते हैं इन द प्लेस ऑफ एच प्लस और ओ एच माइनस हम ये कहेंगे कि मैंने सौ

आई होप इट इज क्लियर मैं वीक एसिड्स के लिए ये नहीं बोल सकती हूं कि जो एसिड्स की कंसेंट्रेशन है वही ओ एच प्लस की कंसेंट्रेशन है मैं वीक बेसिस के लिए भी ये नहीं बोल सकती हूं कि अगर आ, आप एज इट इज कंसेंट्रेशन बेस की नहीं रहा है तुम्हें समझ में आ रहा है तो यहां बात आती है परसेंटेज डिसोसिएशन की कि भाई तुमने सौ परसेंट डाला तो कितना टूट रहा है तुम क्या हासिल कर रहे हो उसमें एज एच प्लस एंड कंसेंट्रेशन तुमने अगर एसिटिक एसिड के दस मॉलिक्यूल पानी में पटके और मैं कह रही हूं कि ये टेन परसेंट डिसोसिएट होता है हाउ मेनी एच प्लस आयन विल यू गेट चलो चैट बॉक्स में बताओ तुमने अगर एसिटिक एसिड के दस मॉलिक्यूल पानी में पटके विच इज अ वीक एसिड इट इज अ वीक एसिड सो इट इट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इट्स परसेंटेड डिसोसिएशन इज टेन परसेंट हाउ मेनी एच प्लस विल यू गेट थैंक यू भगवती थैंक यू सो मच हर्षिता कुशवाहा इज द फर्स्ट वन टू आंसर करेक्टली तीन कैसे आंसर आ रहे हैं तुम्हारे गणित के भी भीते फैले पड़े हैं क्या वन इज द करेक्ट आंसर ना मैंने दस तो 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 मिलेगा तुमको अगर फिफ्टी परसेंट डिसोसिएट होता तो दस में से पांच टूट जाते पांच बिना टूटे रह जाते पांच टूट जाते हैं तो टूट के किस में निकलते सी एच थ्री सी डब्ल्यू माइनस में और सी एच प्लस में ठीक है क्योंकि अगर डिसोसिएशन पचास परसेंट है केस नंबर वन इफ द डिसोसिएशन इज फिफ्टी परसेंट तो दस में से पांच नहीं टूटेंगे पांच टूटेंगे इधर इधर ये पांच तो उस केस में तुमको जितना तुम एसिड डाल रहे हो उससे आधा ही एच प्लस मिलेगा अगर तुम ट्वेंटी कर रहे हो ट्वेंटी फाइव परसेंट या थर्टी परसेंट डिसोसिएशन चलो इसको राउंड फिगर में करते हैं थर्टी परसेंट डिसोसिएशन एज्यूम कर रहे हो तो उसके में दस में से सिर्फ आपके तीन टूटेंगे ठीक है तो तीन ये मिलेंगे तीन ये मिलेंगे समझे बात को इसलिए हम एसिड की कंसेंट्रेशन को एज इट इज पीएच के फॉर्मूले में नहीं डालेंगे अगर वो वीक एसिड है तो हम क्या करेंगे फिर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे चलो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट स्ट्रॉग करेंगे फिर मैं शॉर्टकट सिखाऊंगी देन आई विल टीच यू अबाउट शॉर्टकट्स पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रॉग करेंगे

कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं एज कंपेयर टू द टोटल इट इज ऑलवेज लेस देन वन राइट नाउ यू आर नॉट मल्टीप्लाई विद हंड्रेड सो इट इज एल्फा एल्फा को जैसे ही हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हो इट टर्न अपू परसेंटेज टोटल सौ डाले लेकिन डिसोसिएट कितने हुए पचास हुए सौ डाले लेकिन पचास डिसोसिएट हुए अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई टोटल सौ डाले सौ में से डिसोसिएट हुए अल्फा की वैल्यू क्या हुई जीरो पॉइंट वन टोटल सौ डाले उसमें से सत्तर डिसोसिएट हुए की वैल्यू क्या हुई जीरो पॉइंट सेवन लेकिन सात ही डिसोसिएट हुए अल्फा की वैल्यू क्या हुई जीरो पॉइंट जीरो सेवन तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी लेस देन वन आएगी क्योंकि आपका डिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट विल बी ऑलवेज लेसर देन द मॉलिक्यूल्स विच यू आर पुटिंग सिंस इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट ठीक है तो अल्फा आपको बताता है व्हाट इज अल्फा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ठीक है एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई अल्फा विद 100 यू गेट परसेंटेज व्हेन यू मल्टीप्लाई राइट डाउन इन योर कॉपीज व्हेन यू मल्टीप्लाई अल्फा विद 100 देन यू गेट परसेंटेज डिसोसिएशन राइट फार्मूला परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू अल्फा इन टू

जिसको पीएच तक का रास्ता होगा हमारे लिए ठीक है सीढ़ी होगी कि हमको के लिए चढ़नी है तो ये मैं वीक क्या होता है आपका एसिड तो ए माइनस हो जाता है और पानी एच थ्री ओ प्लस हो जाता है यहां तक कोई दिक्कत है किसी को अप कर दो बेटा हाँ परसेंटेज हो जाएगा अगर आप हंड्रेड से मल्टीप्लाई करोगे रोशन ठीक है समझ में आ गया तो एक बारी Uh, रोशन बेटा हर सवाल का इस तरीके से थ्योरी नहीं होती किसी के पीछे अभी मेरे पास में टोटल जो बच्चे वॉचिंग है वो सवा सौ बच्चे मेरी क्लास सुन रहे हैं बट दिस इज दिस इज ऑल्सो केस कि सवा सौ के सवा सौ बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और इट इज ऑल्सो केस कि सवा सौ में से पच्चीस बच्चे बहुत सीरियसली पढ़ रहे हो सौ नहीं पढ़ रहे हो क्या थ्योरी है इसके पीछे बाकी के क्यों नहीं पढ़ रहे मैम मुझे नहीं पता क्यों नहीं पढ़ रहे बट नहीं पढ़ रहे इसीलिए हमने उनको वीक बोल दिया जो नहीं पढ़ रहे है ना तो यहां पे भी आप 100 मॉलिक्यूल्स डालोगे 20 टूटे 80 नहीं टूटे क्यों नहीं टूटे नहीं टूटे टूट के स्टेबल नहीं हो रहे थे इसलिए नहीं टूटे तो हमने क्या कर दिया उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोल दिया ठीक है तुम तो किसी दिन भगवान के आगे खड़े हो जाओगे कि इंसान की पांच उंगलियां इसमें पांच क्यों बनाई आपने छह छह क्यों नहीं बनाई आठ आठ क्यों नहीं बनाई और इंसान को दो पैरों पे क्यों चलाया ऐसे जानवरों की तरह चार पे चलाता तो उन्हें तो बेटा सवाल तो हर चीज का होता है नेचर नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है ठीक है मूविंग अहेड देखो एच ए प्लस एच टू बना रहा है ए माइनस प्लस एच थ्री ओ प्लस अब मैं रज्यूम करूंगी ध्यान से देखना अब इंपॉर्टेंट है चीज है ना यहाँ मैं डिग्री ऑफ आयोनाइेशन पढ़ा रही हूं इनिशियल कंसेंट्रेशन एच ए की वन थी ये तो कॉन्स्टेंट ही रहता है और इनिशियली ये जीरो थे क्योंकि अभी तक टूटना शुरू नहीं हुए थे फिर हमने कहा कि हमने वन मॉलिक्यूल अगर डाला है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो मैं इसमें से अल्फा माइनस कर दूंगी ठीक है और इधर मैं अल्फा ले आऊंगी ये भी अल्फा ये भी अल्फा ठीक है ये भी अल्फा ये भी अल्फा बट कंसेंट्रेशन वन नहीं होती कंसेंट्रेशन सी होती है तो अस मल्टीप्लाई एंटायर इक्वेशन तो इधर भी सी से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन ठीक है अभी पानी में इसलिए नहीं डाल रही हूं क्योंकि पानी क्या है कॉन्स्टेंट है तो मैं ए माइनस की वैल्यू डालूंगी सी अल्फा इन टू सी अपॉन सी वन माइनस एल्फा है ना ये हो जाएगा के के बराबर एक सी से इसको लिख देंगे सी स्क्वायर एल्फा स्क्वायर अपॉन सी वन माइनस एल्फा ठीक है तो अब क्या करेंगे सी से सी कैंसिल कर देंगे एक से तो क्या आएगा सी एल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस एल्फा तो ये आपका फॉर्मूला किसका आ जाता है के ए का फॉर्मूला आ जाता है के का के सी एल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस एल्फा अब क्या होता है जो वीक एसिड्स होते हैं उनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतनी कम होती है कि वो वन के सामने कुछ भी नहीं होती जैसे तुम एक बात बताओ सौ मॉलिक्यूल डाल रहे हो उसमें से सिर्फ पांच ही टूट रहे हैं नाइनटी फाइव नहीं टूट रहे हैं तो फिर डिग्री एल्फा की वैल्यू क्या होगी मेरे को बॉक्स में लिख के बताओ थैंक यू उज्ज्वल हाय लकी लकी इज आल्सो हियर c is concentration ritu the concentration uh, which we are taking for weak acid any concentration it can be like 0.1 m 0.01 m बिल्कुल सही रोशन चार्वी शाबाश बिल्कुल सही शंकर प्रसाद पॉइंट जीरो फाइव तो यार पॉइंट जीरो हम ना नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो तो अगर मैं इसको नीचे वाले को नेग्लेक्ट कर लूं तो फॉर्मूला हो जाएगा के इज टू सी स्क्वायर और उस केस में जो एल्फा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वो के ए अपॉन सी हो जाएगी और एल्फा की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ के ए अपॉन सी ठीक है एल्फा की वैल्यू क्या आ गई रूट ऑफ के अपॉन सी शुड आई डू इट अगेन आप लोग के लिए एक बार मैं इसको दोबारा करके दिखाऊं जितनी बार मैं करूंगी आपको भी अच्छा लगेगा एंड आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएगा देखो एक बार और करके दिखा रही हूँ कि एच को अपन ने पानी में डाला आप कॉपीज में करो जब तुम्हारी मैम एक से दस बार करने में घबराती नहीं है तो तुम्हें भी नहीं घबराना है समझ में आया ना तुमको एच में पानी डाला क्या बना ए माइनस प्लस एच थ्री ओ प्लस है ना मैंने बोला कि शुरुआत में लेटस एज्यूम की इसकी मेरे पास बनती है वीक एसिड था इट इज अ वीक एसिड मैं एक एक टर्म एक्सप्लेन कर रही हूँ ध्यान से सुनना इट इज अ वीक एसिड और डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ था तो ये जीरो जीरो था डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ था तो ये जीरो जीरो था फिर मैंने कहा कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ ना तो वन में से अल्फा निकल गए ठीक है वन में से अल्फा निकल गए मतलब टूट गए तो फिर यहां पे भी जब जितना टूटेगा वो इधर बनेगा भी सही भाई द, अगर पांच मॉलिक्यूल टूटेंगे तो पांच ये बनेंगे पांच वो बनेंगे छह मॉलिक्यूल टूटेंगे तो छह बनेंगे छह बनेंगे अल्फा मॉलिक्यूल टूटेंगे तो अल्फा ये बनेंगे अल्फा ये बनेंगे फिर मैंने इक्वेशन को सी से मल्टीप्लाई किया क्योंकि कि वन नहीं होती कंसेंट्रेशन सी होती है ना वॉट इज सी सी इज सीसेंट्रेशन जो तुम एसिड के ले ले रहे हो सवालों में आएगी कि वी आर टेकिंग जीरो पॉइंट वन एम कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड वी आर टेकिंग पॉइंट जीरो वन एम कंसेंटेशन ऑफ एसिड ये वही कंसेंट्रेशन है जो एसिड की तुम स्ट्रॉन्ग एसिड की देखते थे और सीधा पीएच वाले फॉर्मुले में डालते थे

मल्टीप्लीकेशन में कभी भी छोटी वैल्यूज इग्नोर नहीं होती डिवीजन में में नहीं होती, और एडिशन हो है एच टू कॉन्स्टेंट था पीयूष तो हमने नहीं डाला एक्चुअली uh, पीयूष ने क्वेश्चन पूछा है कि एच टू गया तो एक्चुअली तो एच टू भी डालना चाहिए था बट वो के में डाला मैं एक्सपैंड करके दिखाती हूं जो के है के का फॉर्मूला होता है ए माइनस एच थ्री ओ प्लस अपॉन एच ए एच टू ठीक है एच टू लेकिन एच टू को प्रैक्टिकली हम कॉन्स्टेंट मानते हैं तो इस को से करते फिर ये के क्या चीज है केक्वल टू केक्वल्स टू के इन टू पानी की कंसेंट्रेशन जो कि किस्टेंट है ठीक है क्लियर सबको ऑल डाउट्स क्लियर

यहाँ कुछ कनेक्शन करिए बुद्धि को थोड़ा सा तीव्र करिए कि के 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 कर के पूरा -पूरा तो कितना डिसोसिएट होता है वो एल्फा से मल्टीप्लाई करके निकाला जा सकता है तुम तो मॉलिक्यूल डाले हो एसिड का और वो दो टुकड़ों में टूटता है पर क्योंकि पूरा टूट रहा है हंड्रेड परसेंट टूट रहा है तब तो तुम फिर एच क्यू प्लस एन कंसेंट्रेशन को मतलब सी को एज एच प्लस डाल सकते हो लेकिन अगर हंड्रेड परसेंट नहीं टूट रहा है तो फिर तुमको सी एल्फा करके एच प्लस एन कंसेंट्रेशन क्लियर इफ द इफ द डिसोसिएशन इज हंड्रेड परसेंट वॉट इज एल्फा इफ द डिसोसिएशन इज हंड्रेड परसेंट वॉट इज हाय भगवती खरत इफ द डिसोसिएशन इज हंड्रेड परसेंट वॉट इज द वैल्यू ऑफ एल्फा अल्फा की वैल्यू क्या है छवी चार नहीं चारवी वन है सी नहीं है अल्फा पूछ रही हूं मैं अल्फा का फॉर्मूला देखो जरा अल्फा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मैं कह रही हूं तुमने सौ डाले थे सौ के सौ टूट गए तो वन हुआ ना पचास डाले थे पचास और टूट गए तो वन हुआ ना दस डाले थे दस टूट गए तो वन हुआ ना ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है इसके लिए अल्फा वन होता है तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड अल्फा इज़ इक्वल्स टू वन सो फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वस टू सी एसिड की कंसेंट्रेशन को तो आप H देते हो, क्योंकि अल्फा की वैल्यू वन होती है तो मैं अल्फा की वैल्यू पुट करती हूँ जो मैंने यहां निकाली रूट ऑफ के ए अपॉन सी विल गिव रूट ऑफ के ए सी तो हमारे पास एच प्लस निकल के आए एक ये रहा और एक ये रहा रूट ऑफ के ए सी इज इक्वल टू एच थ्रीओ प्लस आइन कंसेंट्रेशन ठीक है एक ये क्या आप इसे कॉपी में लिख सकते हैं कैसे लिखना है मैं बताती हूं देखो लिखो एच थ्री ओ प्लस आइन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू सी एल्फा ऑल्सो एच थ्री ओप्ल आइन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू के ए सी मत एंड फॉर स्ट्रोंग एसिड्स फॉर स्ट्रोंग एसिड्स एच थ्री ओ प्लस आइन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू सी सिंस एल्फा इज इक्वल टू वन समझ में आई बात क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूरी वन है मतलब कि आप जितना डाल रहे हो मॉलिक्यूल सारा का सारा बिखर रहा है टूट रहा है तो अल्फा की वैल्यू वन है और जब अल्फा की वैल्यू वैल्यून होगी तो एच प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन सी के बराबर होगा इसके आपने ढेरों सवाल प्रैक्टिस किए इसमें मुझे फर्दर डिस्कशन की जरूरत नहीं है बट हां वीक एसिड्स के लिए एच थ्री ओ प्लस एंड कंसेंट्रेशन सी एल्फा से निकाली जाएगी या फिर रूट ऑफ के से निकाली जाएगी अब आपको यह देखना है कि आपके क्वेश्चन में सी के साथ साथ क्या दे रखा है एल्फा दे रखा है तो ये लगेगा ए दे रखा है तो ये फॉर्मूला एल्फा तो दे, दे रखा होगा तो सी एल्फा करके H प्लस निकलेगा और अगर के ए दे रखा होगा तो रूट ऑफ के ए सी करके H प्लस निकलेगा ब्रीफिंग करती हूं मैं फटाफट से ब्रीफिंग कर रही हूं मैं क्वेश्चन शुरू कर रही हूं उससे पहले मैं जरा सा तुमको, uh, अगर तो एसिड स्ट्रांग है तो डायरेक्ट एसिड की कंसेंट्रेशन एज एच प्लस पड़ जाएगी लेकिन अगर एसिड वीक है तो एसिड की कंसेंट्रेशन के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए वो या तो तुमको एल्फा मिलेगा या के ए मिलेगा एल्फा मिलेगा तो एच प्लस एन कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला लगेगा सी एल्फा और के ए मिलेगा तो एच प्लस एन का फॉर्मूला लगेगा रूट ऑफ के सी इस चीज को लिख चुकी हो अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एनिय मस्ट बी बल्व इन वन लीटर ऑफ सोल्यूशन टू हैव अ सोल्यूशन ऑफ पी एच ड हाय प्रीति वेरी गुड बेटा कीप इट अप इटअपर्मोडाने नेक्स्ट है बेटा तुम क्लास में क्या शुरू से नहीं आते हो मैं हर चीज बताती हूँ बट जब जो बच्चा आता है वो तभी पूछने लगता है थैंक यू चार्वी बेटा अब मैंने तुमको ब्रीफिंग कर दिया इसके अंदर कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो एच प्लस एन कंसेंट्रेशन डायरेक्टली डलेगा और वीक एसिड होगा तो तुम्हें कंसेंट्रेशन uh, के साथ साथ इधर एल्फा गिवन होगा या के गिवन होगा एल्फा गिवन है तो सी एल्फा कर दो के गिवन है तो रूट ऑफ के ए सी कर दो खुशी कुछ प्रॉब्लम हो गई अटक गए हैं नो, नो है ना थैंक यू सो मच भगवती गॉड ब्लेस यू बेटा ओके तो चलिए मैं इसको सोल्व कर रही हूँ आपको मैंने इनफ टाइम दे दिया हाउ मेरी ग्राम्स ऑफ एन एच मस्ट बी डिजोल्व इन लीटर की बात कर रहा है तो पीओ एच कैसे निकलेगा फोर्टीन माइनस ट्वेल्व है ना इज इक्स टू टू पीओ एच होता क्या है माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस एन कंसेंट्रेशन तो ओ एच माइनस एन कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला शॉर्टकट मैंने पिछली क्लास में बताया था टेन की पावर माइनस पीओ एच यानी कि ओ एच माइनस एन कंसेंट्रेशन है टेन की पावर माइनस टू यानी कि जीरो पॉइंट जीरो वन एम कंसेंट्रेशन है ये एक फॉर्मूला है इसको लिख लो ये भी फॉर्मूला तुम्हारे काम आएगा

ठीक है वेरी गुड अनस राजपूत लकी वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन करें डिसोसिएशन ऑफ एसिड इज इतना का फॉर्मुला होता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस एंड कंसेंट्रेशन ठीक है प्लस प्लस लिख लिख लो लो एच बट ये एसिड एसिड नहीं है होता तो हम डायरेक्ट कंसेंट्रेशन ही डालते हैं यहाँ पे लेकिन ये वीक एसिड है तो वीक एसिड में देखो कंसेंट्रेशन के साथ तुम्हें कोई एक चीज मिलेगी या तो के मिलेगा या तो एल्फा मिलेगा अब इसने के ए दे रखा है तो पहले निकालो एच प्लस एंड कंसेंट्रेशन एच प्लस एंड कंसेंट्रेशन के फॉर्मूले से निकलता है रूट ऑफ के ए सी रूट ऑफ के सी तो रूट ऑफ के सी वैल्यू पुट कर के की पावर माइनस फोर ठीक है तो एच प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन तो ये आ गई पीएच में डाल दो माइनस लॉग ऑफ टेन की पावर माइनस फोर तो पीएच आ जाएगा फोर आंसर आया समझ में यू इज हाँ रोशन कुछ प्रॉब्लम हो गई है और वो सॉल्व नहीं हो पा रही है बेटा थैंक यू नंदिनी तुम लोग टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओ खुशी उसमें नोट्स भेज देती हूँ मैं हम्म थैंक यू हर्षिका आ गया सबको क्लियर हो गया तो जिनको क्लियर हो गया है ना वो एक बार ही मेरे को चैट बॉक्स में स्माइल दे सकते हैं मतलब बहुत छोटी सी बात है मैंने तुम्हें बहुत शॉर्टकट बता दिया कि वीक एसिड के केस में तुमको कंसेंट्रेशन के साथ ढूंढना है कि अल्फा गिवन, गिवन है कि के ए गिवन है इनमें से एक चीज कंफर्म गिवन होगी अगर तो अल्फा गिवन है तो एच प्लस का फॉर्मूला यूज करोगे एच प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा और अगर के ए गिवन है तो एच प्लस का तुम फॉर्मूला एच प्लस इज इक्वल टू रूट ऑफ के ए सी बस कॉन्सेंट्रेशन तो कन्फर्म गिवन ही होगी ना क्योंकि दोनों फॉर्मुले में कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है एल्फा गिवन है तो सी एल्फा के गिवन है तो रूट ऑफ के बस खत्म बात इतना शॉर्टकट बता दिया इससे ज्यादा कोई नहीं शॉर्टकट पता है तुमको बता सकता ना किसी किताब में ऐसा शॉर्टकट लिखा हुआ है ठीक है चलो गुड गुड नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ अच्छे से करना मन लगा के करना फोकस करना थक के हारे की तरह मत करना ठीक है थके हारे की तरह मैं पढ़ाने नहीं आती हूं तुमको इसलिए अच्छे से करना है वट विल बी दी एच ऑफ अब यहाँ देखो कंसेंट्रेशन तो कंफर्म तुम्हें गिवन ही होगी हमेशा गिवन होगी तुम तो ये फाइंड आउट करो कंसेंट्रेशन के साथ तुमको क्या दे रखा है एल्फा दे रखा है कि ए दे रखा है उस हिसाब से तुम फॉर्मूला यूज करोगे ठीक है पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लेगोरिदम ऑफ करो फटाफट सवाल लगाओ सुनीता पी ब्लॉक अपन फेब्रवरी में स्पेशल क्लास में करेंगे बेटा थैंक यू हीनू मेहरा हाय बेटा गॉड ब्लेस यू बेटू थैंक यू निहारिका रही नो वन टीच दिस मत स्वीटली आंसर आ गया आंसर निकालो क्विकली हाय भूमि वेलकम टू माय क्लास फाइव आ रहा है फाइव तो नहीं आएगा चलो मैं सॉल्व कराती हूँ इनफ टाइम मिल गया पहले एच प्लस एन कंसेंट्रेशन निकालने के लिए फाइंड आउट करो सी के साथ क्या गिवन है के ए गिवन है दिस इज के एसिड है ना ये तो के ए गिवन है तो एच प्लस एन का फॉर्मूला हो जाएगा रूट ऑफ के ठीक है रूट ऑफ के ठीक है प्लीज अपने दिमाग में ये बात बिठाओ कि वीक एसिड्स के केस में H प्लस एन कंसेंट्रेशन निकालने के लिए C के साथ या तो अल्फा मिल जाए या तो फिर क्या मिल जाए के ए मिल जाए ठीक है रोटी तो दे रहे हैं चपाती तो दे रहे हैं अब चपाती के साथ पनीर दे देंगे दे दे, तो भी हम खाना खा लेंगे दाल दे देंगे दे, तो भी हम खाना खा लेंगे हम चेक करेंगे कौन सी सब्जी हमें गिवन है ठीक है तो अपन को रोटी तो मिल ही रही है रोटी के साथ सब्जी कौन सी दे रखी है इधर के दे रखी है के दे रखी है तो कौन से फॉर्मूले से आंसर होगा रूट ऑफ के सी से ठीक है और अगर एल्फा दे रखा होता तो सी एल्फा से हो जाता बस इतना शॉर्टकट है ये ठीक है तो रूट ऑफ के ए सी, तो सी कितना दे रखा है जीरो पॉइंट वन सिक्स ठीक है इसका ये अंदर क्या आता है टू पॉइंट कितना आएगा 1.8 पॉइंट एट इंटू आ गया वेरी गुड लकी अगमदीप शाबाश अनस राजपूत वेरी गुड थ्री पॉइंट समथिंग नहीं है रोशन टू पॉइंट समथिंग है विल गिव यू अब का तुमको रूट निकालना है टेन की पावर माइनस सिक्स बाहर आएगा तो कैसे बन के बाहर आएगा टेन की पावर माइनस थ्री तो ये हो जाएगा पावर माइनस थ्री ये गई तुम्हारी एच प्लस एन कंसेंट्रेशन अब बस पी के फॉर्मुले में डालनी है माइनस लॉग ऑफ फाइनल आंसर शॉर्टकट पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें और मेरे को यहां मुस्कान दें ठीक है ज्ञान के साथ साथ मुस्कान बटनी चाहिए ठीक है ज्ञान मैं बांटूंगी मुस्कान तुम बांटोगे ठीक है फॉर्मूला बहुत सिंपल है वीक एसिड मिलेगा तो या तो के मिलेगा या एल्फा मिलेगा के मिलेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा रूट ऑफ के सी फॉर फाइंडिंग एच प्लस एल्फा मिलेगा तो सी एल्फा फॉर फाइंडिंग एच प्लस पैटर्न इज सेम जो हम स्ट्रॉन्ग एसिड में करते थे ये करो मनिका मैम के पास बहुत सारे शॉर्टकट्स है

तो H प्लस एन कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी टेन की पार माइनस फाइव ठीक है अब वो क्या कह रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो निकालो रूट ऑफ केस अब इसके बाद तो तुमको दिक्कत आनी नहीं चाहिए अब तो आराम से निकाल लोगे रोशन बेटा टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओ है ना यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है नोट्स की कितना आंसर आ रहा है फाइनल आंसर देखिए कौन बताता है के की वैल्यू निकालनी है क्वीन ऑफ शॉर्टकट्स आई टेक टेक दैट एज कॉम्प्लीमेंट रोशनी नहीं रोशनी नहीं भगवती ने बोला थैंक यू रूबी फिफ्टी आ रहा है फिफ्टी कैसे आएगा जल्दी जल्दी टाइम अप होने वाला है एच प्लस आइन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू रूट ऑफ के ए सी एच प्लस आइन कंसन का स्क्वायर इज इक्वल टू के ए सी के ए की वैल्यू हो जाएगी एच प्लस कंसेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन सी इसका स्क्वायर हो जाएगा टेन की पार माइनस टेन अपॉन कंसंट्रेशन कितनी है टेन की पार माइनस टेन अपॉन कंसनट्रेशन कितनी दे रखी है टेन की पार माइनस वन आंसर तो हो जाएगा टेन की पार माइनस नाइन यानी मतलब इसको लिखते हैं की पार -9, ऐसे प्रॉपरली लिखते हैं ये तुम क्या फिफ्टी और हंड्रेड ये कौन से तुम्हारे नंबर चल रहे हैं क्या बोली लगा रहे हो तुम ये पचास सौ इजी सा ही तो क्वेश्चन है इसका रूट हटाना है तो इधर स्क्वायर कर दिया डिवाइड सी कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन करो Nandini, blessings are always always. with you, you God bless you always. Calculate the pH of base 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 रुको 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 अभी बता प, है ना? बेस क्या है देखो? बेस अगर पानी में तुम डालते हो ना तो वो बेस proton एक्सेप्टर होता है तुम्हें मालूम है ना बेस proton एक्सेप्टर होता है बी तो एच बन जाता है प्लस ओ एच माइनस बन जाता है ठीक तो है तो अगर सेम पैटर्न पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है फोकस करना बार बार नहीं समझाऊंगी समझाऊंगी एक ही ध्यान से सुनना ये ये वन है है आपका यह इन द बिगनिंग फिर वन में से इसका अल्फा चला गया ये अल्फा अल्फा बन गया सेम पैटर्न फिर सीमन माइनस अल्फा सी अल्फा सी अल्फा इधर आप क्या करते हो देखो पीयूष ने पूछा था पानी कहाँ गया तो अगर तुम पानी को कंसीडर करोगे तो के की वैल्यू निकलेगी ठीक है तो मैं पहले के की ही निकाल देती हूँ चलो ताकि कोई डाउट नहीं आए क्वलिब्रम कॉन्स्टेंट के वैल्यू है बी एच की कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट्स कंसेंट्रेशन रख देंगे सारी डिवाइडेड बाय ये पानी भी इंक्लूड कर लिया हमने पीयूष है ना लेकिन पानी क्योंकि कांस्टेंट होता है और के भी एक कांस्टेंट होता है तो इस के को पानी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा बी एच ओ एच माइनस एंड बी ठीक है ऑलरेड बीएच की वैल्यू कितनी है सी एल्फा इंटू सी एल्फाइल अपॉन सी वन माइनस एल्फा ठीक है सी से सी कैंसिल कर दो के बी के लिए क्या वैल्यू आएगी के बी इज इक्वल टू सी एल्फा स्क्न वन माइनस एल्फा वन माइनस एल्फा डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि वीक बेस है ना तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होती है तो के बी इज इक्वल टू सी एल्फा स्क्वल्स टू रूट ऑफ के बी अपॉन सी ठीक है एल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बी अपॉन सी अब ओ OH, एच हमें पीओ एच जब हम निकालते हैं पीओ एच

बहुत प्यारी सी शीट बनाने वाली हूं मूड हो गया मेरा कि मैं बच्चों के लिए एक शॉर्टकट की शीट तैयार करूंगी चलो तो फिर मैं तैयार करती हूं जो बच्चे इतने अच्छी मुस्कान दे रहे हैं और ये शॉर्ट नोट्स नोट ठीक है थीके? या ट्रिक्स लिख लो इसकी हेडिंग लिख लो ट्रिक्स ऑब्लिक शॉर्ट नोट्स शॉर्ट नोट्स है ना इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल्स लग जाएंगे फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लगोरिदम ऑफ एच प्लस

फॉर वीक एसिड अगर एसिड वीक है तो एसिड की कंसेंट्रेशन से काम सिर्फ एसिड की कंसेंट्रेशन से काम नहीं चलेगा उसके साथ एक और सब्जी पकानी पड़ेगी ठीक है वो क्या है एच प्लस एंड कंसेंट्रेशन की दो फॉर्मुले होंगे या तो सी एल्फा या फिर रूट ऑफ के ए सी ठीक है पहले आप एच प्लस निकालेंगे फिर पी एच के लिए नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस करेंगे दिस इज फॉर स्ट्रोंग एसिड ठीक है फॉर स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर स्ट्रोंग बेसिस स्ट्रॉग नी सॉरी वीक लिखना था बस गलती से स्ट्रॉन्ग लिख दिया फॉर वीक बेसिस वीक बेसिस के लिए क्या होने वाला है आपका जो पहले आप पीओ PO, पहले निकालोगे जिसके लिए आपको ओ एच माइनस एन कंसनट्रेशन निकालनी पड़ेगी विच विल बी इक्वल टू आइदर सी एल्फा और रूट ऑफ कौन बनेगा करोड़पति ठीक है के बीसी एक बारी ओ एच माइनस आई निकल गया तो पीओ एच निकल जाएगा और एक बार पीओएच निकल गया तो पीएच निकल जाएगा तो चारों तरीके के एसिड्स या बेसिस के पी एच पी के लिए शॉर्टकट की ट्रिक है इसको आप देख लेना एंड अगला क्वेश्चन करते हैं ये करो थैंक यू भूमि अब जल्दी जल्दी सॉल्व करो क्योंकि नौ मिनट में सेशन ओवर करेंगे थैंक यू मुनीश गॉड ब्लेस यू बेटा आई होप यू विल बी रेगुलर फ्रॉम नाउ कितना आ रहा है आंसर रिया सिंह का बिल्कुल सही आ गया ओके okay. तो चलो प्रोसीड करते कैलकुलेट द पीएच ऑफ पॉइंट वन एंड सोल्यून ऑफ पिरीडीन पिरीडीन इज बेस है ना और केबी की वैल्यू दे रखी है पीएच निकालना है बेटा बेस के लिए पीएच कभी पहले नहीं निकलता पीएच की वैल्यू निकलती है हमेशा पहले पीओएच निकालते हैं है. तो पीओ की वैल्यू के लिए आपको OH देनी OH आप ओ एच माइनस एन कंसेंट्रेशन के लिए सी के साथ साथ आपको क्या दिया हुआ है के बी दे रखा है तो हो जाएगा कौन बनेगा करोड़पति रूट ऑफ के सी ठीक है तो इसकी वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग रूट ऑफ के सी की केबी की वैल्यू कितनी है 1.5 10 की पर -3 फंडा बिल्कुल सिंपल है कि OH- इन कंसंट्रेशन आप मैं आपको C के साथ देख, देखना पड़ेगा और क्या चीज गिवन है तो KB गिवन है अगर अल्फा गिवन होता है तो C अल्फा करके निकाल लेते हैं हम KB गिवन है इसलिए √of KBC से निकाल रहे हैं कंसंट्रेशन इज 0.1 यानी 10 की पर -1 M ये हो जाएगा 1.5 10 की पर -10 का √ ठीक है तो ये 1.5 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 की पर -5 1.5 का स्क्वायर रूट कितना होता है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1.

फाइव माइनस हम्म बिल्कुल सही बिल्कुल सही तो फाइव माइनस दिस तो फोर पॉइंट नाइन वन हो जाएगा ये फोर पॉइंट नाइन वन ये आपकी पीओ एच आई है अब पीएच कैसे आती है 14 -poh, है ना तो फोरटीन माइनस फोर पॉइंट नाइन वन तो कितनी आ जाएगी फाइनल आंसर फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू नाइन पॉइंट वन आ जाएगा ना नाइन पॉइंट नाइन पॉइंट जीरो नाइन टाइप्स आएगा आया समझ में मेथड समझ में आया मतलब अपन ने काफी इजी कर लिया इसको किताबों में तो बहुत रायता फैला हुआ इसका इक्विलिब्रियम का Ionic का आयोनिक स्पेशली कितना सिंपल है देखो चार फॉर्मले सीखे तुमने स्ट्रॉग एसिड होगा डायरेक्ट

एच निकल जाएगा और चौदह में से माइनस करोगे तो पीएच निकल जाएगा हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर कंसेंट्रेशन फिलहाल हम मोलारिटी के लिए यूज कर रहे हैं दिव्यांश लोडा हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन करो ये एनसीईआरटी है अब एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं अपन एग्जांपल है सॉल्व एग्जांपल है आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है आपका एसिड है तो के तो के की वैल्यू कितनी दे रखी है

डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाले पहले, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन हाँ हाँ करो करो सॉल्व करो जल्दी से देखो 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पार माइनस टू क्या वैल्यू आ रही है एल्फा की अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है जीरो पॉइंट वन टू सिक्स आ रही है वन पॉइंट सिक्स का uh, स्क्वायर रूट कितना आता है बेटू वन पॉइंट सिक्स का स्क्वायर रूट 1.6 का स्क्वायर रूट मेरे पास तो यहाँ कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास 1.2 आ रहा है ना तो इज इक्वल टू वन पॉइंट टू इंटू टेन की पावर माइनस वन है ना तो यानी कि 0.12 हो जाएगा आंसर मतलब अल्फा तो आ गया 0.12 अब क्या हो गया अल्फा तो निकाल लिया हमने कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज प्रेजेंट H प्लस के कंसेंट्रेशन निकालो F माइनस के निकालो एच एफ निकालो तो उसके लिए एक इक्वेशन लिख लेते हैं कि आपका जो ये एच एफ है एच एफ ये किस में डिसोसिएट हो रहा है एच प्लस में एंड एफ माइनस में डिसोसिएट हो रहा है ठीक है तो अब आप देखो कि कंसेंट्रेशन uh, कैसे निकालोगे आपको सारी स्पीशीज की कंसेंट्रेशन निकालनी है एल्फा आप निकाल चुके हैं सी एल्फा एच प्लस एन की कंसेंट्रेशन सी एल्फा होगी बी कैसे सी एल्फा स्पी कितना है जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो पॉइंट जीरो टू कंसेंट्रेशन है और एल्फा कितना है एल्फा अभी अभी निकाला जीरो पॉइंट वन टू आंसर कितना आ आ रहा है वो H3O हो H3O कितनी आ रही है होगी कितनी रही तो C करके हम एच प्लस एन कंसेंट्रेशन निकाल रहे हैं तो एच प्लस एन कंसेंट्रेशन का आंसर कितना आ रहा है 2.4 10 की पर माइनस थ्री निहारिका नहीं बेटा एच प्लस एन कंसेंट्रेशन पूछा पीएच नहीं पूछा Into 10 की थ्री तो आई आपकी into 10 की पार 3. Into 10 की पार 3. तो ये भी उतनी होगी फिर तो टू पॉइंट फोर इंटू टेन की पार माइनस थ्री जितना ये होता है उतना ही तो ये होता है इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम पे मैंने आपको क्या बताया था एच एफ की जो कंसेंट्रेशन है उसमें से अल्फा को माइनस करना पड़ेगा मतलब सी वन माइनस एल्फा इसकी कंसेंट्रेशन होती है और इसकी होती है सी एल्फा सी एल्फा ठीक है तो आपने एच प्लस को निकाल लिया सी और एल्फा करके और उतना ही एफ माइनस भी है सेम बट एच एफ की कंसेंट्रेशन कितनी होगी सी वन माइनस एल्फा सी कितना है जीरो पॉइंट जीरो टू और वन में एल्फा माइनस करना है एल्फा कितना है जीरो पॉइंट वन टू बस इसको सॉल्व कर लो ये आपका आ जाएगा एच एफ का कंसेंट्रेशन ठीक है एच एफ का कंसेंट्रेशन कितना आ रहा है टफ लग रहा है क्या क्या आ गया समझ हाँ सेवनटीन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पार माइनस थ्री सेवनटीन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पार माइनस थ्री या वन पॉइंट सेवन सिक्स इंटू टेन की पार माइनस टू ये आपका एच uh, एफ का कंसेंट्रेशन आ जाता है ठीक है अब आपको क्या निकालना पीएच भी निकालना है क्या पीएच भी निकालना है पीएच भी, पी भी, पी भी निकाल लेते हैं एच इज इक्व टू ने कितनी थी टू पॉइंट फोर इंटू टेन की पार माइनस थ्री ठीक है थ्री माइनस लॉग टू पॉइंट फोर ठीक है इज इक्वल टू थ्री माइनस जीरो पॉइंट थ्री एट जीरो यानी कि टू पॉइंट सिक्स टू इज दी एच बोलो समझ में आया सबके दोबारा समझाऊं बाकी सारे क्वेश्चंस होमवर्क में आएंगे है ना देखो इसका पैटर्न समझो इसने क्या पूछा था इसने एक वीक एसिड दिया था और हमने वीक एसिड को यहां पे इस जगह पे डिसोसिएट करवाया हम फिर इसने वीक एसिड दे करके हमको के ए दे दिया और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी दे दिया और के ए भी दे दिया लेकिन इसने आपको एच प्लस कंसेंट्रेशन पूछी एफ माइनस कंसेंट्रेशन पूछी एच एफ की कंसेंट्रेशन पूछी और पी एच पूछा मेनली इसमें ये सारी चीजें आपसे पूछी ठीक है तो आपने क्या किया के ए और सी की मदद से पहले एल्फा फाइंड आउट किया ठीक है के और सी की मदद से आपने एल्फा फाइंड आउट किया तो ये एल्फा कितना है पॉइंट वन टू अब आपको पता था इक्विलिब्रियम पे एच प्लस एंड कंसेंट्रेशन सी एल्फा होती है एफ माइनस एंड कंसेंट्रेशन सी एल्फा होती है तो सी को अल्फा से मल्टीप्लाई आपने निकाल लिया उतना ही F आ गया और इसकी सी वन माइनस एल्फा होती है जब सी भी पता है एल्फा भी पता है तो आपने ये भी निकाल ली निकालने के लिए माइनस लॉग ऑफ प्लस करना था तो ये माइनस लॉग ऑफ प्लस से आ गया क्लियर अगला क्वेश्चन हो जाएगा तुम लोगों से होमवर्क में दे दू The pH of is mono basic acid is ऑफ point five zero. एसिड concentration of ऑफ this. आप तो सिंपली HA को डिसोसिएट किया करो HA को डिसोसिएट करके निकलेगा एच प्लस एंड ए माइनस ठीक है इनिशियल concentration हम मानते हैं one zero zero. फिर हम मानते हैं one minus alpha alpha alpha. और फिर हम मानते हैं सी one minus alpha सी alpha सी alpha. तो ये वाली जो इक्वेशन मैं बनाती हूँ ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम की होती है हमेशा ठीक है ये तभी तो हमने equilibrium concentrations इसके थ्रू निकाली हैं. ये इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन सर ठीक है तो ये हमने इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन अब वो बोल रहा है पीएच ये ये क्या चीज है ये कंसेंट्रेशन है पीएच कितनी है ये 4.5 है ठीक है कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन बहुत आराम से आ जाएगा आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बहुत आराम से आ जाएगा क्योंकि अगर आपको पीएच गिवन है पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन पीएच की वैल्यू कितनी है फोर पीएच को माइनस इधर ले जाएंगे और एंटीलॉग करेंगे इसका ऑफ तो है. है? क्या चीज पता है एच प्लस भी पता है तो आप अल्फा भी निकाल सकते तो मतलब चैनलाइज हो जाएगा क्लियर समझ में आ रहा है ये चैप्टर कब खत्म होगा इसके तीन लेक्चर्स तो कम से कम और बाकी हैं बेटा तो ये किसकी क्लासेस चल रही है पियूष तुम लोग के लिए तो क्लासेस चल रही हैं किसकी क्लासेस चल रही हैं बेटा इनिशियली मैंने माना था इसको वन ये जीरो जीरो माना था मैं कोई भी कंसेंट्रेशन उसको एज्यूम कर रही हूं वन जो कि मैथमेटिक्स में अलाउड होता है फिर मैंने कहा वन में से ही तो अल्फा जाएगा अल्फा इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू वन देन अल्फा अल्फा फिर हमने एक्चुअल एक्चुअलेशन से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडाइनामिक फिर हमने एक्चुअल से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां तो आपके पास क्या आ गया पीएच आ गया देखो ध्यान से देखो पीएच आ गया है आपके पास पीएच एंटी लॉग ऑफ माइनस फोर पॉइंट फाइव से आ जाएगा और उसके बाद तो फिर बहुत सिंपल है प्रैक्टिस चाहिए ठीक है तो ऐसा करते हैं तुम इसको होमवर्क में करो और इसको होमवर्क में करो ये दोनों मैं एक बार और प्रैक्टिस में ले लूंगी एंड देन दिस वन ऑल्सो आई विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास ठीक है आज के लिए इतना काफी है एंड ये दोनों क्वेश्चन तुम होमवर्क में करके लाना ये एनसीआर के भी है एनसीआर के मेथड पे मत जाना वो तुम्हें बहुत उलझा देगा एनसीआरटी में इतने ट्रिक्स थोड़ी ना होते हैं तो तुम तो आज के दिन में चार चीजें सीखे हो स्ट्रॉग एसिड का पीएच निकालते हैं डायरेक्ट एच प्लस एन की कंसेंट्रेशन को पीएच के फॉर्मूले में रख के स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालते हैं पहले पीओएच निकालेंगे फिर 14 में से माइनस करेंगे और पीओएच कैसे निकालते हैं डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग बेस का कंसेंट्रेशन रख देंगे एज वीक एसिड निकालने के लिए कंसेंट्रेशन के साथ साथ या तो एल्फा ची होगा या के ची होगा अगर एल्फा गिवन है तो एच प्लस एन कंसेंट्रेशन होती है अगर ए गिवन है तो एच प्लस एंड कंसेंट्रेशन रूट ऑफ के ए सी होती है ठीक है वंस यू गेट टू हैव यू कैन फाइंड आउट देन अगर तुम वीक बेसिस ले लोगे तो वही पहले पीओ एच निकलेगा फिर पी एच निकलेगा और पीओ एच निकालने के लिए तुमको एंड OH कंसेंट्रेशन चाहिए ओ एच माइनस एंड कंसेंट्रेशन के यहाँ पे भी दो फॉर्मूले हैं या तो सी एल्फा या रूट ऑफ कौन बनेगा करोड़पति अगर सी है और एल्फा है तो वहां से निकाल लो और अगर के बी है तो वहां से निकाल लो वंस यू हैव ओ एच माइनस एंड कंसेंट्रेशन फाइंड पीओ एच देन फाइंड पी एच आई होप आई हैव मेड इट क्लियर ठीक है उसके बाद में ये दो क्वेश्चन लंबे हैं यही दो बहुत हैं आज के होमवर्क के लिए इनको सॉल्व करेगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव बीन टोटल नाउ एंड इसको मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्लास में दिस आल्सो आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास एंड दिस इ टाइम टेबल इन विच आई गोइंग टू टेक योर क्लास ट्यूजडे फ्राइडे एंड सैटरडेड एंड योर नेक्स्ट चैप्टर विल भी थर्मो ठीक है बग्स उंड्री पर इनअप्रोप्रिएट कोई कंटेंट दे रहा हो तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं कॉम्बैट हमारा हर हफ्ते संडे को एक बजे होता है यू 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 शुड 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 डेफिनेटली एनरोल फॉर इट यूजिंग कोड कोड मास्टर एंड प्रूव प्रूव योर वर्थ ठीक है तो जरूर इसको प्रूव करिए और अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो मैंने तुमको प्लस पे बुला लेना है क्योंकि प्लस में हमारा प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त होता है अभी कल भी हमने थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ी थी के पूरे क्वेश्चंस की लिस्ट कही है, है होमवर्क में डीपीपी में दिस इज हाउ वी डू इट ऑन प्लस प्लेटफॉर्म अगर आप आज कर आउट फीचर एक्सेस करना चाहते हैं तो आज करआउट फीचर में आप बहुत सिंपल है आज कर आउट में आप अन अकेडमी लर्निंग आप अपना गोल सेलेक्ट किए आउट कर क्लिक करें अपने डाउट की फोटो डाल दें और उसको क्रॉप करें और हमारे एक्सपर्ट्स आपसे चैट करेंगे आपको सोल्यूशन बता दें कोड लगेगा एम बी लाइफ प्रोडीजी टेस्ट स्टार्ट हो चुका है ट्वेंटी लाख की ग्रांट जीतने का मौका है एक टेस्ट हो चुका है तीन टेस्ट रिमेनिंग है डेफिनेटली आप एम बी लाइफ कोड लगा के प्रोडीजी टेस्ट में अपनी वर्थ प्रूव कर सकते हैं और आप अपने पेरेंट्स पे बिना किसी बोझ को डाले हुए अपने कॉलेज का खर्चा अपनी काबिलियत

भेज तो होता है प्लस का कनेक्शन ये हर टीचर अपने टॉपिक के साथ एमसीक्यूज है है हैं जिनमें बच्चों की एंग्जाइटी जो होती है, वो उप डाउन, उप डाउन होती है तो बड़ा मजा आता है क्योंकि you teach, you you teach, you जब जब हम पढ़ाते हम सवाल पूछते हैं सवाल पूछते हैं तो बच्चों का स्कोर बनता है रैंक बनता है लीडर बोर्ड पर आते हैं तो बच्चों को फियर फैक्टर तो उनका चला जाता है क्योंकि उनको रोज एग्जाम देने की आदत हो जाती है और ये जो मतलब गेमिफाइड वर्जन है ना पढ़ाने का मैं ये मानती हूँ कि पढ़ाने को इंटरेस्टिंग करना एक इनोवेशन है मतलब पढ़ाई पढ़ाई तो देखो सब जगह है किताबों में सब जगह लाइब्रेरी में बैठ जाओगे तो भी कुछ ना कुछ सीख ही जाओगे बट पढ़ाने को इंटरेस्टिंग करना जो होता है ये एक इनोवेशन एंड इज वॉट प्लस हमारा बच्चा बोर नहीं होना चाहिए और साथ साथ तो बोर नहीं हो साथ साथ उसका डेवलपमेंट हो ठीक है तो डीपीपीज वगैरह प्रॉपर दी जाती है सारी डीपीपीज आपके डाउट सेशन में डिस्कस की जाती है एनसीआर दी जाती है, है नोट्स दिए जाते हैं एवरीथिंग वी यूज टू गिव इन प्लस प्लेटफॉर्म एंड देन रेज हंड ऑप्शन के थ्रू बच्चे हमसे बात तक कर लेते हैं बात करते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस आता है अगर अपनी टीचर रहें तो बिल्कुल

ट्वेंटी थाउजेंड वाला सब्सक्रिप्शन आपको तेरह हजार पांच सौ मिल रहा है अगर आप नेक्स्ट थ्री डेज के अंदर ले लें इधर देखो एक साल का सब्सक्रिप्शन का है आपको जो मिल रहा है वो एक्चुअली क्या मिल रहा है 35,000 का सब्सक्रिप्शन आपको 25,000 में मिल रहा है बाईज जे नीट का लेते हो आप तो 34,650 का है आपका लेकिन आपको कौन सा वाला मिल रहा है 42, वाला 34 में मिल रहा है, है? ठीक और इधर भी आपको 58, में में आइकॉनिक है, है, कौन सा वाला? 72 वाला 58 में मिल रहा है। क्योंकि जब आप बारह महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, तो आपको नेक्स्ट तीन दिन के लिए अट्ठारह महीने का मिल रहा है एंड आपको जरूरत है 18 महीने के सब्सक्रिप्शन की क्योंकि आपने ट्वेल्थ भी तो फाइनल हमसे करनी है तो डोंट फोरगेट टू अप्लाई रेफरल कोड एम बी लाइव मास्टर ब्लास्टर कोड एंड वीडियो को शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड डोंट फोगेट टू हिट द लाइक बटन बच्चों बाय बाय टाटा लव यू ऑल मन लगा के पढ़ाई करो जिंदगी में कुछ हटकर करके दिखाने के लिए अपने सारे कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत जरूरी है ठीक है एक इच्छा है कि करियर तुम्हारा अच्छा बन जाए तुम्हारे मन में भी होगी कि बहुत अच्छा मेरा करियर बन जाए सेट हो जाए लाइफ तो आगे की लाइफ को सेट करने के लिए आज जितने भी तुम्हारे कंफर्ट जोन है ऐश है अयाशी है सबको खूंटे टांगना पड़ेगा ठीक है तब जाके के फ्यूचर में बहुत अच्छी लाइफ जीने को मिलेगी ठीक है तो आप करिए आगे बढ़िए और उसकी पहली सीढ़ी है स्टार्ट टूडे सक्सेस की तरफ बढ़ने का सबसे पहला कदम होता है स्टार्ट टूडे एंड स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ की आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट चलो टाटा बाय बाय